मुख्य अतिथि और रामलीला कमेटी के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित की तैयारी शुरू हो गई है। भक्तों, तुम निर्भय रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। जय श्री राम। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 और आज है पांचवी नवरात्रि। तो आज से हमारे लक्ष्मणपुर में रामलीला का शुभारंभ है। महंत मंगलगिरी आदर्श रामलीला कमेटी नयागांव लक्ष्मणपुर में। चलिए आज से देखते हैं रामलीला का प्रथम दिवस और प्रथम दिवस की लीला का आनंद लेते हैं। मैं सभी समस्त पदाधिकारी रामलीला कमेटी के, आप सब लोग मंच पर आइए और दीप प्रज्वलित का कार्य करेंगे। भी मुख्य अतिथि और रामलीला कमेटी के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित की तैयारी शुरू हो गई है और इसके बाद आप लोगों को आज दिखाएंगे रामलीला का प्रथम दिवस। Thank you.
करिए प्राणनाथ। कौन से नाटक की तैयारी है? प्राण त्यागी। आज का नाटक संसार को परम लाभदायक होगा। इस लोक में सुशिक्षा, पितृ मातृ भक्ति, सुहृदय मैत्री, पतिव्रता धर्म आदि की शिक्षा देता हुआ भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी लीला का नाटक गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस रामायण के अनुसार खेलने की इच्छा है। तो
दादा कहाँ की तैयारी है? देवर्षी, मैं भगवान शंकर की पूजा के लिए कैलाश जा रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। आप कहते हैं वर प्राप्त किया है, फिर भी कैलाश जा रहे हैं? नारायण नारायण। ये आपको शोभा नहीं देता, परंतु क्या परंतु देवर्षी? कहिए, रुक क्यों गए? तो सुनो लंकेश, आप ऐसा क्यों नहीं करते? कैलाश पर्वत को उठाकर शिव पार्वती सहित उठाकर लंका ले आइए। इससे रोज का आना जाना भी बच जाएगा और संसार भी आपके बल व तप को जान जाएगा। क्यों ठीक कहना नारायण नारायण? बिल्कुल ठीक है मुनि श्रेष्ठ। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अभी कैलाश पर्वत को शिव पार्वती सहित उठाकर लंका ले जाता हूँ। देवर्षि प्रणाम। देवर्षि सुखी रहो लंकेश। नारायण नारायण। जीते हैं बजा का मेन बाजा है शिरोमणि दुनिया में रावण। Thank you.
उठा रहा है। आश्चर्य की कोई बात नहीं, ये वही पुष्प रावण है जो अभी अभी मृदान लेकर गया है। मैं इसका अभी भ्रमण चूर चूर करता हूं। भगवान क्षमा करो, भगवान माफ करो, भगवान प्रभु दया करो, प्रभु हे प्रभु त्राहि मां, प्रभु त्राहि मां। हे नाथ, आप दया के स्वामी हैं, इसे समा कर। हे प्रिये, तुम कहती हो तो मैं इसे समाप्त कर देता हूं। घर दुष्ट जा, समाप्त कर। हमारे पास तो बच्चा नहीं पाई है, हमारे पास तो बच्चा
बोलनी थी पहले।
साथ भेज देते हैं। हे मुनिवर, अब मैं अपनी व्यथा कैसे कहूं? ये आगे पी की लीला यहीं पे समाप्त होती है और सारे के सारे दर्शक घर को चले गए हैं। और देखो मंच भी पूरा खाली हो चुका है। और आज के व्लॉग को हम भी यहीं पे समाप्त करते हैं।